गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो नाउ टुडे आई विल टीच यू चैप्टर कॉन्ग्रुएंस। आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंस बताऊँगी और ये क्या है, इसके सिंबल क्या है, आई विल टेल यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द कॉन्ग्रुएंस। ये कॉन्ग्रुएंस के बारे में बता रही, ये आपकी साइन जो है ये है कॉन्ग्रुएंस की साइन। ओके, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर हम लोग ये कॉन्ग्रुएंस नहीं लिखते हैं, बस ये सिंबल दे देंगे, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस की, ठीक है। देन कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, क्या है इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस जो है, इसमें टू फिगर्स को हम ओवरलैप कराते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं कि दोनों एक दूसरे के जैसा शेप में एंड साइज़ में है या नहीं है। अगर लिटिल बिगर है, स्मॉलर है, जो भी है, अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट है, मतलब बोथ फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर दोनों सेम शेप में है और साइज़ में है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती, मतलब एग्जैक्टली कवर कर लेती है, तो उन दो फिगर को हम बोलेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है। इट शुड बी इन स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, देन ट्राइंगल ऑल्सो। तो ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, एंगल में भी हो सकती है, इवन लाइन सेगमेंट में भी होगी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली द कॉन्ग्रुएंस। आई विल नॉट टेल इन दिस क्लास सो मेनी क्वेश्चंस, बट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्ग्रुएंस। सिर्फ मैं कॉन्ग्रुएंस के बारे में आज एक्सप्लेन करूँगी है क्या चीज़, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है, ये टू फिगर को हम कंसिड्रेट करेंगे, बताएंगे कि दोनों एक जैसा है कि नहीं है, बिल्कुल सेम साइज और सेम शेप का है या नहीं है। मतलब कहने का मतलब एकदम सुपर पोस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल एक फिगर के जितना भी पार्ट्स है और इसका सारा इक्वल होना चाहिए। सपोज टू ट्राइंगल्स है तो सारे एंगल्स, सारे साइड्स, सब कुछ सेम होनी चाहिए एक दूसरे का। ईच अदर मीन्स दोनों एक दूसरे का बिल्कुल इक्वल होगा, सुपर पोस्ट होगी, कोइंसाइड होगी, राइट, बिल्कुल सेम होगी। तो मैं अभी यहाँ पे आपको बताती हूँ फिगर ड्रॉ करके, ठीक है। सपोज देयर आर टू सर्कल्स, आई हैव ड्रॉन टू सर्कल्स ऑन द बोर्ड एंड रेडियस, आई एम राइटिंग अबाउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट्स रेडियस 7 सेंटीमीटर, जस्ट आई हैव रिटेन यू। नाउ इट्स रेडियस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, राइट। देर आर टू सर्कल्स एंड बोथ रेडियस आर रेडियाई सेम, मीन्स रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का इक्वल है। इफ़ यू टेक इन हैंड, अगर मैं इसको उठा लेती हूँ और वी कीप ऑन दिस फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर सर्कल है और ये सेकेंड नंबर सर्कल है, तो इसको उठाने के बाद अगर इस पर मैं ओवरलैप कराती हूँ, उसके ऊपर रखती हूँ, तो ये एक्जैक्टली उसको कवर कर लेगा। नॉट ओनली दिस सेकेंड वन, सेकेंड वाला ही वन को कवर नहीं करेगा, सिर्फ अगर वन को इसके ऊपर रखती हूँ तो ये क्वाइन साइड, मतलब एक दूसरे का साइड हो जाएगा। क्वाइन साइड में जैसे क्वाइन का दो साइड होती है, आप जानते हैं ना, क्वाइन का टू साइड्स होता है, तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करती है सेम। अगर एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद एग्जैक्टली कवर कर लेती है, बी कैन से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट, राइट। नोट एंड देन आई एम ड्रॉइंग अदर, सपोज देयर आर टू मोर सर्कल्स, इट्स रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस 8.5 सेंटीमीटर, आर बोथ कॉन्ग्रुएंट? नो, बी कैन से। अगर इसके इसके ऊपर मैं रखती हूँ, इसको उठा करके जस्ट आई विल टेक इन हैंड एंड कीप ऑन दैट दिस सर्कल, अगर इस सर्कल पे मैं रखती हूँ तो ये उसको ओवरलैप नहीं करेगा। वाई? बिकॉज रेडियस आर नॉट सेम, रेडियस आर डिफरेंट। ओके, तो जो डिफरेंट है रेडियस का, ओवरलैप तो बिल्कुल नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से वो दिखाई देगी,
ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिकॉज रेडियस आर नॉट सेम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्क्वायर. ओके, अब मैं स्क्वायर के बारे में बताती हूँ. सपोज देयर आर टू स्क्वायर्स, एक ही स्क्वायर है एंड वन मोर. देयर आर टू स्क्वायर्स, आई एम गिविंग द नेम, मैं दोनों का नेम देती हूँ, ठीक है. सो नाउ ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, देयर आर टू स्क्वायर्स आई हैव ड्रोन ऑन द बोर्ड. हाउ टू टेक डिसीजन और हाउ टू से बोथ आर कंग्रुएंट. फर्स्ट सी वॉट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, वी हैव टू चेक वॉट इज द साइड. सो नाउ इट्स साइड 4 सेंटीमीटर एंड इट्स साइड 4.5 सेंटीमीटर. दिस वन इज द फर्स्ट नंबर स्क्वायर ए बी सी डी, देन सेकेंड नंबर ई एफ जी एच अनदर स्क्वायर सेकेंड वन एंड इट्स साइड इज 4.5 सेंटीमीटर. बोथ आर नॉट कंग्रुएंट बिकॉज वी हैव टू से अकॉर्डिंग टू देयर साइड, वी हैव टू टेक डिसीजन एंड वी हैव टू से बोथ आर कंग्रुएंट और नॉट अकॉर्डिंग टू देयर साइड. साइड्स आर नॉट सेम, नॉट इक्वल, दैट्स वाई आई कैन से बोथ आर नॉट कंग्रुएंट, दोनों कंग्रुएंट नहीं है. ओके, नाउ एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की बात कर रही मैं. सपोज देयर आर टू रेक्टेंगल, राइट, आई एम गिविंग द नेम ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट. नाउ इट्स लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ 5 सेंटीमीटर. कैन बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. वाई, बिकॉज वी हैव टू से अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों का, अगर लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल है देन वी कैन से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज वी कांट से, नहीं कह सकते, राइट. आप यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट इज़ द मीन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है. कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकता है जब दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करती है. अगर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो उसको ओवरलैप कर लेता है, बिल्कुल ढक लेता है, एग्जैक्टली कवर कर लेती है, देन वी कैन से. देन रेक्टेंगल में मुझे देखना पड़ेगा कि लेंथ दोनों का सेम है कि नहीं. नॉट ओनली द लेंथ इन मेजरमेंट, ब्रेथ शुड बी ऑल्सो इक्वल, देन वी कैन सी. अगर ब्रेथ दोनों का इक्वल है तभी हम लोग बता सकते हैं या बोल सकते हैं. और स्क्वायर में क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर एक साइड 4 है तो सारा साइड 4-4 होगा, देन अदर वन ऑल्सो, अगर एक साइड 4 है तो सारा 4-4 होगा. मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड वी कैन से बोथ आर कंग्रुएंट इफ इक्वल. बट इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायमेंशंस, डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ. इट्स एज ऑल्सो बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई होती है और दोनों थोड़ा डिफरेंट भी होता है, ठीक है. तो कहने का मतलब जो बिगर होती है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, थोड़ा शॉर्ट होता है उसको हम लोग ब्रेथ बोल देते हैं, ठीक है. मैक्सिमम टाइम आई एम टॉकिंग. सो नाउ दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, बोथ आर नॉट इक्वल, वी कांट से बोथ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अब मैं बात करी अगर यहाँ पे ये भी 5 ही होता, सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, कैन बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. या वी कैन से, मीन्स वी कैन से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर हियर ऑल्सो, दिस लेंथ इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4, हियर ऑल्सो ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर. वी कैन से बोथ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वन क्वेश्चन इज राइजिंग हियर, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या अगर एरिया दोनों का दिया हुआ है. सपोज एरिया हैज़ गिवन, एरियाज मीन्स दो रेक्टेंगल्स है, दोनों का एरिया जो है वो दिया हुआ है कि एरियाज आर इक्वल, कैन बी से बोथ आर कंग्रुएंट और नॉट. देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके,
तो सी ए बी सी डी ई एफ जी एच. सो देयर आर टू रेक्टेंगल्स आई हैव ड्रोन ऑन द बोर्ड राइट. नाउ इट्स वट इज़ द डायमेंशन आई डोंट नो बट एरियाज आर सेम. एरियाज दोनों का इक्वल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी हैव टू कीप द आंसर. वी हैव टू से अबाउट बोथ रेक्टेंगल्स बोथ आर कंग्रुएंट और नॉट कंग्रुएंट. ओके अब हम लोग को डिसीजन लेना है मतलब बताना है कि ये दोनों रेक्टेंगल्स जो है क्या कंग्रुएंट है. वी कांट से नहीं कह सकते हम नहीं कह सकते कि दोनों कंग्रुएंट है राइट. अब कैसे मैं बता दूँ. सब ऐसा भी तो होता है कि इसके लेंथ में भी 6 सेंटीमीटर होगा और इसका ब्रेथ 2 सेंटीमीटर होगा. अगर एक ट्रायंगल इस तरह की है ठीक है 2 सेंटीमीटर राइट एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर वी विल गेट एरिया सेम. एरिया तो सेम मिल जा रही ना. एरिया यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया. ए इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ टू डायमेंशंस. ओके इसमें टू डायमेंशंस होते हैं लेंथ एंड ब्रेथ. टू बी में ये फिगर है ये तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 2 सेंटीमीटर. वी विल गेट द एरिया 6 टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी मीन्स 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. हियर ऑल्सो वी विल गेट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरियाज आर सेम. ये एरिया जो है मुझे सेम मिला है बट कैन बी से बोथ आर कंग्रुएंट. वी कांट से बिकॉज वेन वी टेक इन हैंड एंड कीप ऑन दैट इट विल नॉट ओवरलैप. ये एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर नहीं करेगा. अगर एग्जैक्ट कवर नहीं करेगा हाउ कैन बी से कैसे कर सकते हैं. वी कांट से नहीं कह सकते. दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है ठीक है. मतलब कहने का मतलब अगर हमें रेक्टेंगल के बारे में कॉन्ग्रुएंट बताने की ज़रूरत है बताना है क्वेश्चन से वी हैव टू चेक देयर लेंथ एंड ब्रेथ देन बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. ओके एंड स्क्वायर हाउ टू से देयर साइड. वेन बी से साइड आर इक्वल बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट एंड साइड आर नॉट इक्वल बी से बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड रेक्टेंगल्स देयर लेंथ एंड ब्रेथ बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट राइट. एंड नाउ वेन देर आर टू लाइन सेगमेंट्स देर आर टू लाइन सेगमेंट हाउ टू से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. इफ वी गेट देयर लेंथ आर सेम. अगर दो लाइन सेगमेंट है एक ऐसे लाइन सेगमेंट है और एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट है हाउ टू से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट कैसे कहेंगे. इफ देयर लेंथ इज सेम इन मेजरमेंट. अगर मेजरमेंट में उस उन दोनों का लेंथ इक्वल है बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट अदरवाइज वी कांट सी. ओके सो यू अंडरस्टैंड हियर समझते हैं यहाँ पे. एंड देयर आर टू एंगल्स. अगर टू एंगल्स हैं हाउ टू से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. वी टेक डिसीजन देयर मेजरमेंट ऑफ एंगल. अगर एंगल ये 60 डिग्री है और यहाँ भी एंगल 60 डिग्री है और ये सेम है मीन्स वी कैन से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट अदरवाइज बी से बोथ आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द अदर फिगर. अभी मैंने आपको बताया सिर्फ रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कल लाइन सेगमेंट देन एंगल राइट. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द ट्राइंगल्स. अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में. ओके देन आई विल टेल अबाउट द क्राइटेरिया. देर आर सम क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट की कुछ क्राइटेरियाज होती है ठीक है. देन बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट. पहले हम लोग उस क्राइटेरिया के बारे में जान लें कि वॉट आर दिस फोर क्राइटेरिया. वे सब कौन सी क्राइटेरिया है. ओके सो आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड. मैं बोर्ड पे लिखती हूँ कि वो ट्राइंगल की कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है. ओके सो यू मे सी आई एम ड्रॉइंग ऑन द बोर्ड टू ट्राइंगल. देखिए मैंने टू ट्राइंगल ड्रॉ किया है. ओके दे आर टू ट्राइंगल्स आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड. नाउ आई एम गिविंग द नेम ए बी
सी डी ई एफ, जस्ट आई हैव गिवन. देन हाउ टू से बोथ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट, हाउ टू चेक, हाउ टू से कैसे कहेंगे, कैसे कह सकते हैं. देन देयर फोर क्राइटेरिया, यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है. फर्स्ट नंबर आई एम टॉकिंग, अगर ये दोनों का एस एस एस, वॉट इज द मीन ऑफ एस, क्या मतलब होता है इसका. एस मीन्स साइड, अगर इसका साइड इसके साइड के इक्वल है, इसका साइड इस साइड के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, वी कैन से बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. और कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, देन एस 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 मीन साइड इक्वल्स टू साइड इक्वल्स टू साइड. देन अदर वन, आगे आगे कैसे पढ़ूंगी, आगे कौन सी क्राइटेरिया है तो मैं बताती हूँ. ए एस ए, व्हाट इज द मीन, आई एम ड्रॉइंग हियर, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. एम एन ओ पी क्यू आर, देयर आर टू ट्राइंगल्स, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस क्राइटेरिया, इसका मतलब क्या होता है. अगर ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, आई एम ड्रॉइंग लाइक दिस, ओके. एंड नाउ दिस वन साइड एंड दिस वन साइड और दैट वन एंगल, ये दोनों एंगल, ये एंगल, ये एंगल की इक्वल, एम इन साइड पी क्यू की इक्वल, एन एंगल क्यू की इक्वल, देन बी फॉलो दिस क्राइटेरिया एंड फ्रॉम दिस क्राइटेरिया बी से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ थर्ड नंबर एस ए एस, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस क्राइटेरिया, इसका क्या होता है. ए बी सी डी ई एफ, राइट. देन एस एस मतलब साइड साइड, डी एफ ए सी एंगल एंगल एंड देन साइड, अगर ऐसा है बी से बोथ आर कंग्रुएंट फ्रॉम दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बोथ ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर सॉरी क्राइटेरिया नंबर फोर, आर एच एस, ए बी सी डी ई एफ, राइट. नाउ राइट आर एच एस मीन्स क्या होता है. आर एच एस का मतलब होता है कि आर का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, वी कैन से दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. एंड एच एच मीन्स हाइपोटेनस, दिस इज जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल, ये राइट एंगल का जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब ये साइड राइट एंगल का जस्ट अपोजिट है एंड हियर ये वाला मीन्स इक्वल है. और देन एस एस मीन्स एनी वन साइड, सपोज हाइट हाइट और वी कैन से बेस बेस शुड बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं कि हाइट और हाइट इक्वल होगी तब या बेस और बेस इक्वल होगी तब, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, एनी ऑफ द साइड, हियर रिटेन ओनली साइड, साइड मीन्स बेस बेस और हाइट हाइट, ओके, वी कैन से बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. सो आई विल टेल समथिंग लेफ्ट रिमेन पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड कमेंट वेन एवर प्रॉब्लम. अगर आप इसको अप्रिसिएट करना चाहते हैं, मुझे अप्रिसिएट करना चाहते हैं, देन कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.